नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमेश में। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, हम लोग दशमलव का जोड़ सीखे हैं और इस वीडियो में दशमलव का घटाव सीखेंगे। इसके बाद जो आएगा उसमें गुणा सीखेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसमें भाग सीखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो कैसा लगा उसके तो लास्ट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का घटाव, जोड़ हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके चेक कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। देखिए सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग घटाव सीखने वाले हैं। तो 6.93 माइनस करना है 8.26, या इसको छोटा छोटा कर दीजिए, 4 डाल दीजिए इसमें, 4.26 है। इसको हम लोग क्या करना, हमको क्या करना है, माइनस करना है। आइए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये सेम डिजिट का है तो डायरेक्ट घटाने में आसानी होता है। अगर डिफरेंट डिजिट का है, अलग अलग डिजिट का है, किसी में 3 डिजिट है, किसी में 4 डिजिट है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे हो या बड़े, 6.93 ये जो वाला भाग था इसको यहाँ पर उतार दिए, ये वाला भाग को उसके नीचे उतार देंगे। नीचे उतारने में हमको सावधानी क्या बरतना है, जैसे कि हम लोग एड में बताए थे, हमेशा हमको ध्यान रखना पॉइंट कहाँ पर, पॉइंट के सामने पॉइंट डालेंगे। पॉइंट के सामने क्या कर दिए, यहाँ पर पॉइंट डाल दिए। पॉइंट के जस्ट बाद लेफ्ट में 4 लिखा हुआ है, हम लोग 4 लिख दिए। पॉइंट के जस्ट बाद राइट में क्या क्या लिखा हुआ है, 2 और 6 लिख दिए। हम लोग इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको घटाना आसान हो जाएगा, 3 में से 6 नहीं घटेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, कैरी ले लेंगे, तो हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7 बच जाएगा, और ये बच गया 8 बच गया, 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 बच गया। पॉइंट के सामने पॉइंट डाल दीजिए और 6 में से 4 घटा देंगे तो आपका 2 बच जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा सवाल ले लेंगे, लिख लीजिए, सवाल अलग अलग प्रकार के आ जाएगा। तो हम लोग 5-6 क्वेश्चन देखेंगे जितना संभव हो, जो कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। एक और क्वेश्चन लीजिए, जैसे 1.269 है, माइनस करना है 0.623 है, 0.623 है, इसको हम लोग क्या, हमको क्या करना है, माइनस करना है। हम लोग वही करेंगे, पहले सिंपल फॉर्म में इसको लिखेंगे, 1.269 है, इसको माइनस कितना करना है, 0 पॉइंट। हम लोग क्या करना है, पॉइंट के सामने पॉइंट डाल दीजिए। इस फॉर्म में 0 है ना, हो सकता है कभी कभी ये 0 भी ना रहे तो फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको सिर्फ पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, उसके बाद जैसे डिजिट है उसको अरेंज कर देना। 623 है, 623 लिख दीजिए। हमको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस कर दीजिए। 9 में से 3 घटाएंगे 6 बच जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और 2 में से 6 नहीं जा रहा ना, ये क्या करेंगे, हंसी लेंगे, जब 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा आपका, 6 बचेगा, पॉइंट के बाद पॉइंट डाल दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले, यहाँ पर ले लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, हाँ क्वेश्चन है आपका 86.3029 या 0 रहने देते हैं, माइनस 623.0 है, ठीक है, 623.0 है। इसको हम लोग क्या करना है, माइनस करना है ना, देख लीजिए। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में अरेंज कर लीजिए आप, 86.30 है इसको, और सिंपल इसको देखेंगे पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट के सामने पॉइंट डाल दीजिए। हमेशा क्या करेंगे, हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे पॉइंट के सामने हमको पॉइंट रखना है, क्या रखना है, पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है। तो यहाँ पे है पॉइंट के जस्ट बाद लेफ्ट में देखेंगे तो आपको 326 हो जाएगा, तो 326 हो जाएगा। पॉइंट के उस पार में क्या है, 0 है, ठीक है। हालांकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा आपका और 0 भी खत्म हो जाएगा, लेकिन चूँकि है तो रहने देते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर मान के चलते पॉइंट खत्म भी हो गया तो पॉइंट के सामने ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, हालांकि ये भी 0 खत्म हो जाएगा, लेकिन रहने देते कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर, 0 अगर उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0 उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 बच जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे आपको 4 बच जाएगा, सॉरी 6 बच जाएगा यहाँ पे, और 6 का 6 बच गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा चेक कर लीजिए, फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 बच गया, और 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या आपका, एक मिनट, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर यहाँ ध्यान देना होगा, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर क्या है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे, ऐसे कंडीशन में हम लोग करते हैं कि बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं और उसके आगे हम लोग माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग उलट के लिख देंगे, उलट के कैसे लिख देंगे सो देख लीजिए, उलट के कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 6.23.0 लिख दीजिए और नीचे में इसको लिख दीजिए 86.30
जीरो इस तरह से लिख दीजिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर, हमको ध्यान देना कि छोटा में से बड़ा घटा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिए, जीरो थ्री पॉइंट के सामने पॉइंट कर दीजिए। अब थ्री में से सिक्स नहीं घट रहा है, हाँ से लेंगे, तेरह में से छः जाएगा, ये सात बच जाएगा और ये एक बचेगा, एक में से आठ नहीं जाएगा, हाँ से लेंगे, ग्यारह में से आठ जाएगा, ये तीन बच जाएगा, ये बचेगा पाँच का पाँच डाल दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेने वाले हैं, सभी क्वेश्चन चूंकि अलग अलग प्रकार का हो रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्वेश्चन आपका 0.61 माइनस 0.61 माइनस थ्री आपका हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 0.61 है और 0.02 है, इसको हम लोग क्या करना है, हमको घटाना है, हमको कुछ नहीं करना, बस सिंपल 0.61 और इस पर है 0.02, तो पॉइंट डाल दीजिए, 0.02 डाल दीजिए, ठीक है। इसको घटा दीजिए, वन में से टू नहीं जाएगा, हासिल ले जाएगा, हो जाएगा ये ग्यारह में से टू जाएगा, ये नौ बचेगा, ये बच गया, पाँच में से जीरो जाएगा, ये पाँच बच गया, पॉइंट के सामने पॉइंट डाल दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन है हमको हमेशा ध्यान रखना है पॉइंट के सामने पॉइंट डालेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी नंबर में एक में पॉइंट रहेगा, एक में पॉइंट नहीं रहेगा, जैसा कि अभी क्वेश्चन लेकर दिखा देते हैं आपको। अगला सवाल है, पाँचवा नंबर सवाल है, जैसे 6.78.92 है, अगला माइनस इसमें करना है 3.4, क्या करना है 3.4.6 है, इसमें क्या करना है, इसको माइनस करना है 3.4.6, इसको माइनस करना है, कुछ नहीं करेंगे हमको, क्या इसमें पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए जो पॉइंट में जो होता है ना, पॉइंट के बाद वाला जो संख्या तो वो एक से भी छोटा होता है, और पॉइंट जिससे पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में होता है या पॉइंट जिसमें होता है नहीं है वो एक से बड़ा होता है। तो हम लोग हमेशा करेंगे अगर जिसमें पॉइंट नहीं होगा वो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला संख्या लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को इस साइड लिखेंगे, इस साइड गलती से भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट के इस साइड जो होता है ना वो बहुत ही छोटा संख्या होता है, एक से भी छोटा संख्या होता है, और इस ये जो होता है ये बड़ा संख्या होता है। तो 3.4.6 है, हम लोग इसको कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 3.4.6 लिख दीजिए, और हमेशा ध्यान रखें उसको पॉइंट के इस साइड लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, हम मिटा दिए और यहाँ पर लगा देंगे माइनस लगा देंगे, पॉइंट के सामने कुछ नहीं है, पॉइंट के सामने पॉइंट लेके 9.2 यहाँ पर सेम उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ घटाना नहीं है। 8 में से 6 घटाएंगे ये 2 बच जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे ये 3 बच जाएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे ये आपका बच जाएगा 3 बच जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखना है जिसमें पॉइंट नहीं होगा उसको पॉइंट के हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जिसमें दोनों में अगर पॉइंट नहीं होगा तो वो तो सिंपल घटा हो गया, वो तो आपको आता ही आता होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आप लोग को उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है 6.9.308 -1.2, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ये भी बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।